है सतीश कदमम, और सतीश कदमम अभी तक 300 चैंपियन प्रोड्यूस कर चुके हैं, और सर के पास रेयरेस्ट स्टॉक जो वर्ल्ड में गिने चुने हैं वो मौजूद है। और आज हम सतीश सर के पास आए हुए हैं और सतीश सर के ब्रीडिंग के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तो सर आपका ये जो डॉग का शौक कब से हुआ है? सर मैं छोटा बच्चा था ना सर, मैं 6 ईयर था ना, वो टाइम से मैं स्ट्रीट डॉग पाल रहा था घर पे। घर के बाहर कौन सा कुत्ता रहता है उसको खाना डाल के बड़ा कंपाउंड के अंदर आके उधर ही लिटर होने का ऐसा उसको आदत कर रहा था। वो बच्चा डालता है ना पूरा ऑफिस में ही पाल रहा था। मेरा फादर असिस्टेंट डायरेक्टर रिटायर्ड डॉक्टर, फिर भी बेटा इतना स्ट्रीट डॉग घर के अंदर पाल रहा है और घर के अंदर भी बेड पे भी अलाउड कर रहा था, इसलिए वो गाली देके मेरे को घर से बाहर निकल के फेंकता था। फिर भी मैं गलाटा करके मोर देन 15 डॉग्स स्ट्रीट डॉग्स रखा था। वो 6 स्टैंडर्ड तक 6 ईयर से स्टार्ट किया वो डॉग्स, अभी छोटा बच्चा में खाना डाल के रखे, बाद में 6 स्टैंडर्ड तक वही पाल रहा था। उसमें एक ब्लैकी करके स्ट्रीट डॉग बहुत साल से था, बहुत अटैचमेंट हो गया था, वो रोड एक्सीडेंट पे मर गया। वो टाइम में पूरा रो रहा था, पूरा 1 मंथ तक रो रहा था। तो मेरा फादर ने बाद में छोड़ने से और एक दूसरा स्ट्रीट डॉग लेके आएगा करके, वो फादर एक पोल्ट्री फार्म इंडियन पोल्ट्री फार्म करके उधर विजिटिंग के लिए जा रहा था, डॉक्टर वो ट्रीटमेंट के लिए जा रहा था। वो टाइम उधर अच्छा अच्छा ब्रीड था उसके पास, ग्रेड एंड सभी था। अंदर वो टाइम मेरे को ब्रीड का नाम नहीं पता था। मेरा फादर ने उस उधर लेके जाके ओनर को मिला के मेरा बेटा रो रहा है वो छोड़ने से, दूसरा स्ट्रीट डॉग ऐसा लेके आ जाएगा, इसलिए कौन सा भी अच्छा ब्रीड हो तो स्मॉल ब्रीड दे दो, बड़ा ब्रीड हम लोग को पालने को नहीं होता करके बोला। वो लोग बोला पोमेरियन को डैशून क्रॉस हुआ है अभी बच्चा डाल रहा है वो देता है करके। मेरे को पोमेरियन डैशून नाम सुन के ही खुश हो गया, वो हाइब्रिड है करके। वो मिक्स होने से क्या फायदा होता है, वैल्यू नहीं है, वो टाइम नहीं पता था। बाद में वही ब्रीड को ओके करके खुश हो के ऐसा काम किया। टर्न करने का टाइम में एक कौ जैसा एक डॉग गया, मैं ऐसा देखा फर्स्ट टाइम लाइफ में उतना बड़ा डॉग देखा। वो ग्रेडन था अभी, वो टाइम उसका नाम भी नहीं पता था, जिसमें बहुत छोटा था, 6 स्टैंडर्ड पे था। बाद में फादर को बोला नहीं वो ब्रीड नहीं चाहिए, इसका चाहिए करके। ओनर ने बोला ग्रेडन भी डोबरमैन को क्रॉस हुआ है, वो भी वो टाइम पे ही 10-15 डेज में बच्चा डालता है ऐसा बोला। मैं फादर को जिद्दी किया वही चाहिए वो नहीं चाहिए वही चाहिए करके। बाद में मेरे को समाधान करने के लिए ओके ओके करके घर को लेके आ गया। बाद में 3 मंथ्स के बाद फादर चुप हो गया, वो डॉग को घर को लेने को मना किया, क्यों लेके आने का रोने का अटैचमेंट होने के बाद ऐसा, इसलिए डॉग अलोन नहीं है कौन सा भी नहीं लेके आओ ऐसा बोल दिया। मैं फिर से रोना शुरू कर दिया। बाद में फादर ने हॉस्पिटल को गया, काम को गया। बाद में मेरा आजू बाजू घर वाला 3-4 फ्रेंड्स था ना, वो टाइम मैं साइकिल सबको मैं बोला फ्रेंड्स को आपको एक 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 डॉग फ्री में दिला देगा आप आ जाओ, क्यों है ना 5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर मेरे को वो टाइम से गांव को जाने का जैसा फील होता था, अकेला जाने का डर था। वो लड़कों को मैं लेके गया, 3-4 लड़कों को साथ में साइकिल में गया। फादर को नहीं पता था, उसको नहीं बोल के डायरेक्ट गया। बाद में बड़ा पोल्ट्री फार्म है, बड़ा गेट के पास जाके सिक्योरिटी को बोला मेरा फादर ऐसा है, वो सेंड किया है ओनर को बात करने का। बाद में उधर से ओनर को कॉल किया, ओनर उधर से कॉल किया, आपका फादर ने नहीं चाहिए बोला, मैं सब दे दिया, सिर्फ एक फीमेल है करके वही दे दो, फादर ने सेंड किया है परवाह नहीं वही दे दो, नहीं आपका फादर गाली देगा ऐसा बोला वो, नहीं नहीं परवाह नहीं परवाह नहीं मैं एडजस्ट करेगा दे दो करके फोर्स करके दे दिया। सिर्फ एक ही पप्पी था वो मैं ले लिया, मेरा फ्रेंड्स गलाटा शुरू किया, हम लोगों को भी एक दिलाता है करके लेके आया इधर नहीं है करके, अभी मैं क्या करूँ एक ही डॉग है करके, वही डॉग को लेके घर को आ गया। घर के आने के बाद फादर आके मेरे को मारता है, क्यों ना उसको नहीं बोल के इतना दूर जाके उधर झूठ बोल के लेके आया हूँ, इसलिए उसको बड़ा कंपाउंड है उसका ट्री के नीचे छुपा के रखा था आने का टाइम, ऑफिस से आने का टाइम 7:30 को आता है वो उधर रखा था। बाद में मैं अंदर आने के बाद मेरा मदर ने बोल दिया, बाद में मेरे को बहुत गाली दिया क्यों मेरा माना मर्यादा निकलता है क्यों उधर गया ऐसा करके बहुत गाली दिया। बाद में ओके ओके मेरे डॉग है ना
ऐसा पूछा, ओ मेल है ऐसा झूठ बोल दिया, वो फीमेल था। बाद में वो डॉग से मैं ब्रीडर हो गया। वो डॉग नहीं आने से ब्रीडर नहीं होता था। वो भी फर्स्ट लीटर सेकेंड लीटर फ्री में दिया। वो टाइम में फर्स्ट लीटर में एक आदमी ने आके 1200 रुपीज़ दिया मेरे को। मैं नहीं चाहिए, क्यों कुत्ता को पैसा दे रहे, ले लो करके उसको वापस बेचा। बाद में वो फोर्स किया, बाद में मेरा फादर को देखा, फादर ले लो ऐसा बोला। बाद में फादर बोलने के बाद ले लिया। वो मेरा फर्स्ट इनकम था, 1200 रुपीज़ फर्स्ट इनकम था। वो क्रॉस ब्रीड ग्रेटर इनटू डोबरमैन को डोबरमैन ही किया था। वो उतना हाइट नहीं था, डोबरमैन जैसा था, कलर ग्रेडियन जैसा था, विक्की करके उसका नाम, और एक रामकृष्णा करके वही गॉड फादर बोलता हूँ। क्यों है ना, वो पैसा देने से मेरे को पता चला डॉग को भी पैसा दे के लेता है करके। उसके पहले डॉग को वो वैल्यू है नहीं पता था। बाद में सेकंड लीटर में एक पपी 675 रुपीस को लिया, वो सेकंड इनकम था, बाकी का सभी फ्री में दे दिया। नेक्स्ट लीटर में 2000 को एक ब्रीडर ने उसको, वो टाइम ग्रेडन क्रॉस किया था, फॉर्म ग्रेडन पूरा ओरिजिनल जैसा थोड़ा आया था, वो 2000 को बात करके लेके चीटिंग किया, 1 रुपी भी नहीं आया। बाद में पुलिस कंप्लेंट करके वापस पैसा, एक पपी वापस ले लिया। नेक्स्ट लीटर में मैं खुद ही 4000 को सेल किया। उसका नेक्स्ट लीटर में 15-17000 को खुद ही सेल किया। वो पैसा सभी रख के 80000 को ब्लू ग्रेड एन वो टाइम पे लिया मैं 80000 को। क्यों, मिक्स ब्रीड ब्रीड करने का, कितना दिन ब्रीड करने से वैल्यू चला जाता है ऐसे, उसको ब्रीडिंग स्टॉप किया। उससे कमाने का पैसा से एक ओरिजिनल ब्लू ग्रेड एन एक कमनली पे जॉकअप करके उसके पास लिया। वो आने के बाद अच्छा अच्छा रेट को 28000-32000 ऐसा सेल करने को शुरू किया। वो पैसा आ गया ना, उससे दूसरा डॉग खरीद लिया, ऐसा दूसरा डॉग ऐसा 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 हो गया। अभी 150 डॉग्स का ओनर हो, और 3000 प्राइस विन किया हूँ, 300 डॉग्स ओन ब्रीडिंग का चैंपियन किया हूँ। और सर ये पर्टिकुलर आपका जो रेयरेस्ट डॉगों में शौक कब से हुआ है? सर रेयरेस्ट क्या है ना, मैं स्टेप बाई स्टेप जा रहा था, पहले क्रॉस ब्रीड, बाद में ओरिजिनल, बाद में उससे बड़ा साइज मेरे पास रहने का। इंडिया में क्या मिलता है सबसे बड़ा, सब शो क्वालिटी पसंद करता है, मेरे को यूज पसंद है, अब नॉर्मल साइज, वो किसी के पास उतना साइज नहीं रहने का, किधर हो तो मैं ले रहता था, वो इंडिया में क्या मिलता है वो ले रहा था। उसमें भी मैं नाम कमा लिया, नियोक्रोटिन मास्टिक गोश्त करके, वो वर्ल्ड में बिगेस्ट था। बाद में उसी से स्टार्ट हो गया, क्यों मैं रेयर ब्रीड इंट्रोड्यूस नहीं करने का इंडिया को, रेयर ब्रीड लेके आके उसको ब्रीड करके पूरा इंडिया में वो ब्रीड दिखाने का ऐसा करके शुरू किया। वो टाइम में मैं खुद ढूंढने का टाइम में मेरे को कोरियन मास्टिफ 20 ईयर से बहुत तो पसंद था, वो ढूंढने का टाइम नहीं मिला। बाद में मैं टिबेटन मास्टिफ, अलास्कन मैलमोट को इम्पोर्ट करने को बात कर रहा था, और वो एक दो आया था मेरे पास पहले था इम्पोर्ट, और उससे बड़ा लेना चाहता था। वो टाइम पे एक ब्रीडर ने बोला सेना में कोरियन मास्टिफ पे आपको चाहिए, मेरे को करंट मार दिया। मैं ढूंढने का टाइम इतना ट्राई किया, इतना डेली वेबसाइट ढूंढ रहा था, कोई ब्रीडर फेसबुक पे इंस्टाग्राम किधर रहता है ऐसे बहुत ढूंढ रहा था, वो टाइम नहीं मिला, वो अचानक मिल गया। मैं खुश होकर वो टिबेटन मास्टिफ का कैंसिल कर दो, इसका कितना है बोलो, पूरा पैसा डाल के वो इम्पोर्ट किया, दो इम्पोर्ट किया। वो एक वैक्सीन होने से भी उसको पारो वायरस अटैक होके इधर आके 1.5 डे में मर गया। अभी इंडिया में एक ही हो गया फीमेल, वो ब्रीडिंग करने को नहीं होता एक रखने से। बाद में मैं इंपोर्ट भी बैन हो गया, मेल भी नहीं लेकर, बाद में मैं 7 इंपोर्ट करके आर्टिफिशियल इंसुलेशन करके 4 पपीज डाला, उसमें 2 मर गया 2 बचा है, वो भी उसमें एक मेल अभी 6-7 मंथ्स पहले मर गया। अच्छा, अभी सिर्फ 2 है, मदर एंड सन है। लेकिन ये डॉग आपको तो बहुत इंडिया में क्या सारा वर्ल्ड में आपको फेमस कर दिया, कोरियन मास्टिफ। हाँ बहुत फेमस, मैं इतना प्रमोशन के लिए नहीं लेके आया, सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को एक को बोला, बाद में 100 मीडियास आ गया, वर्ल्ड वाइड इंटरव्यू किया, यूएसए में आके विंसन मैनर ब्रिज में इंटरव्यू किया। अच्छा अच्छा, तो मेरे को इंग्लिश नहीं आता, फिर भी कन्नड़ा में इंग्लिश पढ़ के वो किया, हिंदी में किया, बहुत वर्ल्ड वाइड में इंटरव्यू किया सर मेरे को। और सर आज आपका तो हम पिटबुल भी देखे, और पिटबुल भी जैन है, मतलब बहुत मतलब जैन है, और ये सब पिटबुल लेके और आपका कोरियन मैस्टिफ लेके इन फ्यूचर आपका कुछ सोच के रखे हैं सर? सर अभी और एक ब्रीड इंपोर्ट किया हूँ सर, उसका बर्थडे का दिन उसका नाम प्राइज बोलेगा उसका, मैं डिफरेंट टाइप कर रहा हूँ, पूरा हेलीकॉप्टर में आकाश में उसका बर्थडे कर रहा हूँ,
फुल उसके साथ रहेगा एरोस्टर्स नहीं, वो दूसरा ग्रह से क्या है रोबोट रोबोट जैसा उसके ऊपर से नीचे आएगा, उसके साथ वो डॉग नीचे आएगा। नीचे आने के बाद फैशन शो रखा हूँ मॉडल्स के साथ, डॉग का फैशन शो रखा हूँ, वो बहुत हाई बजट में कर रहा हूँ सर। वो अभी 3 मंथ्स के बाद करेगा, आपको भी बुलाएगा सर। ब्लू आर्ट डॉग लाइफ पे लाइव देखना, ये जो आपका बर्थडे सेलिब्रेशन आपका हेलीकॉप्टर पे होगा, ये वर्ल्ड पे कहीं हुआ है बोल के तो आपको पता नहीं है, लेकिन इंडिया में फर्स्ट हो रहा है और ये सेलिब्रेशन डॉगी स्लाइड पे आप देख पाओगे। तो सर ये 3 महीना बाद आप करोगे? हाँ सर। अच्छा, अभी गर्मी ज्यादा है ना सर, वो टायर्ड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर आपका ये जो जो प्रोग्राम आप करते हो, क्योंकि पहले बहुत सारा लोग सर चैनल पे सेटअप करते हैं, लेकिन आपका सेटअप अलग है थोड़ा सा, मतलब इसमें क्या है आपका डॉग का केयर बहुत अच्छे से होता है, ठीक है, तो ये जो मतलब थिंकिंग आपको कहाँ से आया सर? सर मैं पहले सब कस्टमर्स आता है ना उसको जू टाइप एक ही जगह पे पूरा डॉग दिखाने का, पूरा रिच दिखने का, ऐसा करके मैं 7 एकड़ पे फार्म बना के फॉरेन जैसा केनल करके पूरा एक ही जगह पे रखा था। बाद में मैं सोचा उसको मेंटेनेंस वर्कर्स उतना केयर नहीं लेता, पैर नहीं देता, एक ही जगह पे उसको केयर करने वाला भी अच्छा तरीके से नहीं देखता, एक काना काता है एक नहीं काता, एक वो बीमार रहता है उसको नहीं पता चलता उतना डॉग में, वो मेंटेनेंस कम सोच रहा था, इसलिए मैं क्या 6-7 मंथ्स रखा था, बाद में इमीडिएट क्लोज कर दिया सभी डॉग को। मैं सोचा ब्रीडिंग टर्म अच्छा प्यार करने वाला घर को एक एक डॉग को एक घर में देने से वो अच्छा भी रहता है, उसको अच्छा भी पाल सकता है और केयर भी अच्छा ले सकता है, इसलिए मैं सोचा ब्रीडिंग टर्म्स वो कोई भरोसा वाला रहता है ना उसको फ्री में देता है, मैं इन्वेस्टमेंट करके लेता हूँ, बाद में पेपर सभी मेरे नाम पे रहता है, उसको फ्री में देता हूँ, वो शौकी मेरा बिजनेस, वो शौकी वालों को दे देते हैं, वो अच्छा पालने का, वो अच्छे पालने का और नहीं चीट करता है ना वो लोगों को नहीं देता, ब्रीडर लोगों को नहीं देता, क्यों है ना वो पपी डालने के बाद 6 पपी डालने से सिर्फ 3 पपीज बोल देता है, 3 पपीज अंदर रखता है, इसलिए ना वो उसका 1 रुपी भी दुरा से नहीं रहता ना पैसा का, उसको दे देता है, वो पहले ही मेरे को इतना पपी दो, हाफ पपी हाफ लीटर दे दो ऐसा पूछता है ना आपको, उसको बोल देगा मैं टुमारो आ जाओ, उसको नहीं देता, क्यों है ना पहले इतना दुरा से तो बाद में प्रॉब्लम हो जाता है, उसको देने से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, इसलिए मेरे को कस्टमर से मिनिस्टर से सेलिब्रिटी हीरो हीरोइन से हाल फेमस हीरो हीरोइंस मिनिस्टर्स के घर पे मेरा डॉग सी है, उसमें सेल को भी दिया हूँ, ब्रीडिंग टर्म्स को फ्री में भी दिया हूँ, सेल के ज्यादा ब्रीडिंग टर्म्स को ज्यादा दिया हूँ, 150 डॉग्स भी टर्म्स को दिया हूँ फ्री में। तो सर लास्ट क्वेश्चन है आपका सर, दूसरा जो ब्रीडर है, दूसरा ब्रीडर से सतीश कडबम एक अलग पहचान है, वो सर मतलब वो कैसे सर हुआ है सर? सर मैं क्या करता है ना सर, वो डिफरेंट करता हूँ, डॉग का 5-स्टार होटल में बर्थडे किया, नेमिंग सेरेमनी 5-स्टार होटल पे किया, और कोरियन मास्टर वॉन ब्रो का है ना उसको रोल्स रॉय कार ऐसा 100 कार को रेंट को बात किया था, वो प्रोसेशन से लेके आना था, वो बीमार होके वो प्रोसेशन कैंसिल किया, नहीं तो और फेमस हो जाता था वो रोल्स रॉय में आने से बहुत फेमस होता था। मैं थोड़ा करने को जाता हूँ वो इतना फेमस हो रहा है, अभी हेलीकॉप्टर में उसका बर्थडे कर रहा हूँ, दूसरा डॉग इंपोर्ट किया हूँ, रेरेस्ट ब्रीड है वो, इंडिया में किसी के पास नहीं है और बहुत ह्यूज ब्रीड है, उसका करने के बाद क्या होता है मालूम नहीं, वो टाइम मेरे को आइडिया नहीं था, वो टाइम इतना फेमस हो गया, अभी पूरा आइडिया आ गया है, अभी प्लान करके कर रहा हूँ, पूरा हाई बजट में कर रहा हूँ, वो क्या होता है देखने का सर। और ये छोड़ के मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए 100 डॉग्स 100 मॉडल्स एक रैंप में नॉन स्टॉप वॉक करने का वो भी कर रहा हूँ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एक डॉग का फैशन शो कर रहा हूँ। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद से आप लोग को टाइम दिए हैं और सारा दिन हम लोग के साथ सुबह से सर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, इतना दूर से हमको मिलने को आए, आप बहुत शुक्रिया आपको बोलने का, नहीं नहीं मेरा, तो सर मेरा आपसे मेरा नाम भी फेमस होगा आपका नार्थ में। जी 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 जी। और ये वीडियो आप लोग देखो और कैसा लग रहा है आप कमेंट करो, और सतीश सर से अगर कुछ भी डगल लेना आपको अगर चाहिए, अगर ऐसा सोचते हो तो सतीश सर से आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ रहेगा। तो मिलते हैं और नया वीडियो में, तो टिल देन
गुड बाय, नमस्ते नमस्ते।